nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, tell them nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some psychic. यार आपको ना लाइफ का मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूँ कि आपकी जर्नी से जुड़ने का और उसको देखने का किसी को कोई शौक नहीं है। सब तो बस वेट कर रहे हैं आपके रिजल्ट का। अगर आप कुछ कर गए ना तो वो सब आपके साथ खड़े हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर पाए ना तो वही लोग आपकी बजाने खड़े हैं। और आज बाल भी बढ़िया लग रहे हैं। सही है। यार मैं ऑफिस पहुंच गया और अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गया है, वो ही लेने जा रहे हैं। भारत में गर्मी हो रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस समय, है ना। और अभी गाड़ी का जो एयर फ्लो है ना वो मुझे ना थोड़ा कम लग रहा है। मैं फुल भी इसको अगर कर दूं तो एयर फ्लो इतना अच्छा है नहीं इस समय यार। तो यार ये मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। मुझे लगता है इसका ना जो एसी का एयर फिल्टर है वो चौक है, तो वो हमें डलवाना पड़ेगा नया भाई एक एयर फिल्टर। वैसे ठंडा तो ठीक कर रहा है बट एयर फ्लो स्लो हो गया है इसका। तो मॉर्निंग जितने भी काम थे वो सारे निपटा लिए। अब जाना है हमें जो है अपने हॉस्टल, जो कि ये आ गया सामने। ये भाई यहाँ पर अपना ऑफिस है यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस हो गया है। कल यहाँ पर ना काम चला है कैमरे का, मैंने यहाँ पर ये वाले कैमरे लगवाए हैं सब में। ये सही रहते हैं यार वाईफाई से ना, पूरा रोटेट करके देख लो ज़्यादा इजी हो जाता है। अभी ये वाला कैमरा रह गया लगना, एक कैमरा और रह गया इसको लगवाता हूँ। अभी कैमरा वाला ही आ रहा है, उसी का वेट कर रहा हूँ। और यार दूसरा मुझे जाना है बैंक पर, तो गाड़ी कहाँ लगाई जाए। ये अपनी बैंक यहाँ पर। आज गर्मी ज्यादा है यार, आज बहुत ज्यादा गर्मी है यार। क्रिकेट खेला जाए आज? अबे तुझे लाल वाला टमाटर दे रही हो, तेरा टमाटर ज्यादा कहता बोला लाल। आज क्रिकेट में भी खेलूंगा, हट जाओ ला करा। ये कौन सी बॉल है? ओ आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। यार गलती हो गई मुझसे, जो बॉल थी ना इस पे टकरा के इस पे चले गई। यहाँ से मारना पड़ेगा तब बॉल निकलेगी यहाँ से। देख बॉल आ रही है नहीं आ रही है। तो भाई फाइनली एक बॉल गई थी और दो बॉल हो गई हम पे। चलो भाई अब इसकी बैटिंग है, देखो कैसे खेलता है। विकेट छोड़ दे थोड़ा सा। ओ वाओ। तो भाई दूसरा प्लेयर आ गया फील्डिंग पे, आओ यहाँ पर। अब इसको भी खिलाए थोड़ा सा भाई, शॉट है ओए बेटे। हाँ जी भाई, तो पूरे दिन की हबड़ तबड़ के बाद अभी एक रिलैक्स का टाइम है और आपसे बात करने का टाइम है ये। तो यार डेली व्लॉग करना ना एक टास्क है भाई साहब। आप ये समझ लो कि आपको अगर डेली व्लॉग करना है, या तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप पूरे दिन में मज़े कर रहे हो भाई, बस गाड़ी लेके जा रहे हो, धुआं दे रहे हो, ऑफ रोड मार रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, आप बस मज़े ले रहे हो। या फिर आपकी एक लाइफ ऐसी है कि आप सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और अपने ऑफिस पे चले जाते हो, पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, उसके बाद शाम को आते हो थके आ रहे और बेड पे लेट करके छोटे मोटे घर के काम करके आप फिर सो जाते हो खाना खा करके, या फिर आपकी वो लाइफ है। अब जो सेकेंड वाली लाइफ है ना उसको इंटरेस्टिंगली कैसे दिखाना है आपको, बस यही तो चैलेंज है डेली व्लॉग का यार। अब जो पहला वाला पर्सन था जिसकी लाइफ में डेली मज़े हैं, वो मज़े ले रहा है, तो उसके लिए तो आसान है। लेकिन सेकंड वाले पर्सन के लिए ना ये दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ ब्लॉग नहीं बनाना है, उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है। अगर मैं ब्लॉग की बात करूँ ना, तो यार ब्लॉग आप शूट कर लेते हो, आपने बनाया, आपने कैमरा लिया, आपने पूरा दिन का शूट कर लिया, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है ना वो होती है भाई एडिटिंग। जो भी आपने शूट किया है पूरे दिन का, वो सब बेकार है अगर आपने एडिटिंग उसको अच्छे से नहीं किया है। क्योंकि जो भी कहानी, जो भी स्टोरी निकल के आती है ना, तो वो निकल के आती है एडिटिंग के थ्रू। अब यार डेली व्लॉग तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि मैं थोड़ा सा रेगुलर हुआ हूँ पिछले कुछ टाइम के अंदर। मैं पिछले 1.5 साल से व्लॉग कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेवल व्लॉग बनाता था,
ट्रैवलिंग पे जा रहा हूँ, शूट करता था, आता था घर पे आकर के उसको एडिट करता था। पूरा पूरा दिन लगता था मेरे को एडिट करने में। अभी पहले मैं कैमरे को इतना अच्छे से यूज़ करना नहीं आता था, लेकिन अभी मैं कैमरे को अच्छे से यूज़ कर पाता हूँ। अभी जो फाइल जो मैं शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डी लॉक फाइल के अंदर। लॉक फाइल है यानी इसमें कलर फेड रहते हैं, थोड़े बहुत कलर होते हैं, ज़्यादा कलर नहीं होते, उसको फिर आपको कलर ग्रेड करना पड़ता है ना। इसमें ISO क्या है, वाइट बैलेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं इन कुछ दिनों के अंदर, जो काफ़ी वो जो कि रेगुलर होने की वजह से ही हुआ है। मैं पिछले 1.5 साल से एडिट कर रहा हूँ, लेकिन जितना अभी मैंने इन दिनों के अंदर सीखा है गुरु, वो भाई साहब अलग है। जो मेरी स्पीड थी एडिट करने की वो भी काफ़ी अभी इम्प्रूव हो गई है, तो अब व्लॉग ज़्यादा एडिट करने टाइम लगता भी नहीं है मेरे को। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, कैमरे से यूज टू होना। जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आज व्लॉग मैंने किया है और आज से मैं व्लॉग बंद करूँ और 2 महीने बाद कैमरा उठाऊँ और फिर बात करूँ तो कैसा होगा? मैं यार बिल्कुल बात ढंग से कर नहीं पाऊंगा, पूरा ब्लैकआउट हो जाऊंगा मैं। देखो यार, यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं डेली व्लॉग करने जा रहा हूँ, हाँ ये है कि मैं थोड़ा सा रेगुलर ही करूँगा ताकि मेरे अंदर एक इम्प्रूवमेंट आता रहे व्लॉग को लेकर के, अपने वीडियोज़ को लेकर के। मैं चीज़ों को अच्छे से इम्प्रूव करूँ, अपनी एडिटिंग इम्प्रूव करूँ और अपने जो व्लॉग शूट करना होता है उसको इम्प्रूव करूँ। यार जब मेरे को एक एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छा खासा, तभी जा करके तो एक दिन हमारी बेस्ट वीडियो निकल के आएगी। मेरे दिमाग में हमेशा प्रोसेस होता रहता है कि यार ट्रैवल करना है, ठीक है, अब उस वीडियो को डिफरेंट कैसे बनाना है, वो मेरे दिमाग में ऑल टाइम चलता रहता है कि यार मैं कैसे इसको अलग बनाऊं। मेरे पास कैमरा है, मेरे पास माइक है, 2-2 वायरलेस माइक है, एक रोड का है और ये DJI का माइक है, अलग एक रोड का और रखा हुआ है मेरे पास, है ना। तो कैमरे की कमी नहीं है, Insta360 है उसकी कमी नहीं है, तो कमी किसी चीज़ की नहीं है, बस बात है बस कंटेंट को क्रिएट करने की। तो इस चैलेंज को हम लेते हैं और डेली व्लॉग तो नहीं, हाँ लेकिन रेगुलर मिलेंगे। पिछले 1.5 साल से पहले जाऊँ तो मेरे को इसका बिल्कुल 0 एक्सपीरियंस था, मेरे को कुछ नहीं पता था कि भाई कैसे कैमरा पकड़ के बात करी जाती है, मुझे नहीं पता थी। लेकिन अभी मैं बड़े आराम से बस कैमरा मेरा ऑन हो जाता है, मैं अपनी पर्सनालिटी आराम से शो कर पाता हूँ। और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी एक पर्सनालिटी वो निकल के भी आती है, वो एक क्रिएट होती है एक टाइम के अंदर। आप स्टार्ट करते हो किसी दूसरे को देख करके तो आपके अंदर उसकी छवि होती है, लेकिन धीरे 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 आप ना उसको चेंज करते चले जाते हो और अपनी एक स्टाइल है ना वो आप क्रिएट कर लेते हो एक्चुअली। तो बस मिलते हैं यार अगले ब्लॉग के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपके किसी काम की हो तो यार आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना यार। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना एक इंस्टा का अकाउंट भी है Harsh Explorer 9, एक बार अगर आप वहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन।